दोस्तों ये तसलसल सुबह 4 बजे तक चल सकता है। मदह सराई मुकम्मल नहीं हो सकती, नबी की शान में कोई शेर नहीं कह सकता, उनकी तारीफ मुकम्मल नहीं हो सकती। यहीं पे मुस्लिम शोरा की शायरी को खत्म करता हूँ। अब आइए, जब ये बात बिरादराने वतन तक पहुँचती है, हिंदू भाई तक पहुँचती है, तो मेरे दोस्तों मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा कुंवर महेंद्र सिंह सहर बेदी ने कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। रविंद्र जैन ने कहा कि तुम अपने दिल में आरजू रखना, तुम अपने दिल में ये आरजू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। काल का प्रसाद यूं गोया हुए कि जो शर्क से हो गर्भ तलब दिरहम और दीनार, लेकर जमीन ये ताबो फलक माल के अंबार, दरिया सभी मोती बने पारस बने कोहसार, एक संत जो खड़े हो मेरे सैयद अबरार, फिर काल का प्रसाद से पूछे कोई क्या ले, नाले ने मोहम्मद वहीं सर पे उठा ले। मनचंदाबाई ने कहा कि तू अंधेरे में कहां ढूंढ रहा है सूरज, देख वो गुंबद खजरा में छुपा है सूरज, एक सूरज के इशारे पे चली है दुनिया, मेरे आका के इशारों पे चला है सूरज। सुने मेरे दोस्तों, एक गुस्ताख रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, लेकिन एक आशिक रसूल महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील इतनी गाड़ियों के साथ महाराष्ट्र उरूसुल बिलाद पहुंचता है कि मेरे दोस्तों हुकूमत की नींद खराब कर डाली। बात जब रसूलुल्लाह की आएगी तो समझौता नहीं होगा मियां, कोई समझौता नहीं, मेरा घर लुटा डालो, बुलडोजर चला डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई तो समझ जाइए ये रेड लाइन क्रॉस हुआ तो पूरे मुसलमान एक बैनर तले होंगे, फिर कोई बरेली और देवबंदी नहीं होगा। एक हो जाइए, खुदा की कसम ये हुकूमतें हैं ना, ये आपको ये नहीं देखती कि इनकी टोपी की 3 इंच लंबाई है या 5 फीट ऊंचाई है। इसको लफ्ज़े मीम से नफरत है मियां, जिस दिन एक हो जाइएगा इनकलाब बर्पा कर दीजिएगा। अपने पास जो ताकतें हैं 57 ममालिक के, अगर मुस्लिम देश अगर एकताई पेश कर देना तो इनकी जहाजे परवाज नहीं कर सकती है, सड़कों पर 4 व्हीलर दौड़ नहीं सकते। नाते रसूल जब भी पढ़ना है तो बरेली और देवबंदी पढ़ के मियां ना पढ़ो, मोहम्मदी बन के पढ़ो, खुदा की कसम दुनिया तेरे कदमों में होगी। आज जितना इस मुल्क के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, खुदा की कसम असातिज़ा से पूछे, उससे कई गुना ज्यादा देवबंदी और बरेली हो रहा है। ये उसको जहन्नम में ढकेल रहे हैं, वो उसको जहन्नम में ढकेल रहे हैं। मेरे दोस्तों ये बिल्कुल, मैं भी अपने अकीदे का मजबूत एक नाजिम कहलाता हूँ, अकीदे पे शेर पढ़ने में आ जाऊं पिंडाल में आग लगा दूंगा, एक दूसरे के गर्दन लोग मारना शुरू कर देंगे। हजारों मेरी वीडियो है, लेकिन मेरे जानशीन फिदाए मिल्लत जनाब हजरत मौलाना महमूद आसाद मदनी, या जानशीन शेखुल इस्लाम जनाब हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी और दिगर जितने हमारे बड़े असातिज़ा है, हमें इस बात का पैगाम नहीं देते कि किसी अकीदे पर तबसरा किया जाए। हमारे स्टेजों पर यह नौटंकी नहीं चलती। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ, कमेटी का जो पैगाम है आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। शेर सच्चा हो पूरा मजमा मुझे मिलकर बता देना, हबीबी तुम सच कह रहे हो। शेर देखे मेरे दोस्तों, मैदाने करबला में शहादत के जाम का, बोले बोले मेरे शेर पर वही शख्स सुभान अल्लाह कहेगा जो मर्द होगा, जो खामोश होगा मैं समझ जाऊंगा कौन है। थोड़ा बोले बोले बोले, मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का। हाँ इसी तरह सुनिए, माशाल्लाह। मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का, हर सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का, सुन्नी न वहाबी न शिया के। जज़ाकल्ला जज़ाकल्ला, दिल रख दो, जिगर रख दो, जेब झाड़ कर इधर रख। अल्लाह सलामत रखे मेरे दोस्तों। मैदाने करबला में शहादत के जाम का, इस्लाम का परचम है नबी के गुलाम का, सुन्नी न वहाबी न शिया के इमाम का, सिक्का चलेगा सिर्फ मोहम्मद के नाम का। है ना मुत्तहिदा, एक हो जाइए, खुदा की कसम ये हुकूमतें हैं ना, ये आपको ये नहीं देखती कि इनकी टोपी की 3 इंच लंबाई है या 5 फीट ऊंचाई है। इसको लफ्ज़े मीम से नफरत है मियां, जिस दिन एक हो जाइएगा इनकलाब बर्पा कर दीजिएगा।
अपने पास जो ताकतें हैं 57 ममालिक के, अगर मुस्लिम देश अगर एकताई पेश कर देना तो इनकी जहाजें परवाज नहीं कर सकती है, सड़कों पे फोर व्हीलर दौड़ नहीं सकते। अगर मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, आयन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाएं, थोड़ा बोल दे पीछे तक के लोग तो चौथे मिसरे आप तक पहुंच जाएंगे। मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, आयन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाए, अरे तूने मुझे गुंगा अगर समझा है तो आ पास कभी, इतना चीखू के तेरे होश ठिकाने लग जाए। तूने मुझे समझा है, ये चार मिसरे और मजा आएंगे। आप सुने मेरे दोस्तों, एक गुस्ताखे रसूल, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, लेकिन एक आशिक रसूल महाराष्ट्र से इम्तियाज जलील इतनी गाड़ियों के साथ महाराष्ट्र उरूसुल बिलाद पहुंचता है कि मेरे दोस्तों हुकूमत के नींद खराब कर डाली। बात जब रसूलुल्लाह की आएगी तो समझौता नहीं होगा मियां, कोई समझाता नहीं, मेरा घर लुटा डालो, बुलडोजर चला डालो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई तो समझ जाइए ये रेड लाइन क्रॉस हुआ तो पूरे मुसलमान एक बैनर तले होंगे, फिर कोई बरेली और देवबंदी नहीं होगा। दी तो आप मजा लीजिए, उस आशिक रसूल इम्तियाज जलील तक ये शेर पहुंचाना चाहता हूं और उनके हवाले से दिल्ली तक। क्या बात है मेरे दोस्तों, शेर देखे मेरे दोस्तों, और इस शेर के खालिक का नाम मेरा बड़ा अच्छा दोस्त आली जनाब जमील अख्तर शफीक साहब, क्या सलीके से शेर कहा उन्होंने। मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाए, आयन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाए, तूने मुझे गुंगा अगर समझा है तो आ पास कभी, इतना चीखों के तेरे होश ठिकाने लग जा। हम मुसलमान हैं हक बात सुना देते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह, हम मुसलमान हैं हक बात सुना देते हैं, मुल्को मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं, हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशतगर्दी, हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं, अरे हम तो कलमाए तौहीद पर ईमान रख कर काफिरों को भी मुसलमान बना दे। नाते रसूल की बात चल गई तो मुझे याद आता है कि हजरत सादी ने कहा कि बलगल उलाबी कमाली ही, कशफत दुजाबी जमाली ही, हसुनत जमीउ खिसाली ही, सल्लू अलैहि व आलिहि, पहुंच गया बुलंदी पे अपने कमाल से, खोल दिया अंधेरियों को अपने जमाल से, अच्छी है आपकी तमाम आदतें, दुरूद पढ़े आप पर और आपके आल पर। पाकिस्तान के एक शायर ने कहा कि तेरे बोरिए पे सलाम हो कि वकारे तख्त मिटा दिया, तेरे झोपड़े पे दरूद हो कि जमी को अर्श बना दिया, तेरे फिक्र फाका ने हल किए माशियात के मसाले, कि तेरी गरीबी ने हम गरीबों को जिंदा रहना सिखा दिया। ये मेरे दोस्तों ये बात उर्दू अदब के टाइगर इंदौर के एक शायर अली जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी तक पहुंचती है। मुझे याद आता है उन्होंने कलम उठाया, मुस्कुराते हुए शेर रकम कर डाला कि जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, जमजमो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताजीम नहीं लिख सकता, मैं अगर सात समंदर भी निचोड़ू राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। ये हजरत राहत इंदौरी के चार मिसरे मुझे फिर याद आते हैं कि उन्होंने बड़े सलीके से कहा कि हदे शुऊर हदे मफाहिम लिख दिया, दुनिया ने तख्तो ताज जरो सीम लिख दिया, लिखना था कायनात की तखलीक का सबब, मैंने लरसते हाथों से बस मीम लिख दिया। ये बात जब मुनव्वर राना तक पहुंचती है तो मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना आप करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की, मैं मर जाऊं तो बस खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। मेरे दोस्तों ये तसलसल सुबह 4 बजे तक चल सकता है, मदह सराई मुकम्मल नहीं हो सकती, नबी की शान में कोई शेर नहीं कह सकता, उनकी तारीफ मुकम्मल नहीं हो सकती। यहीं पे मुस्लिम शोरा की शायरी को खत्म करता हूँ। अब आइए जब ये बात बिरादराने वतन तक पहुँचती है, हिंदू भाई तक पहुँचती है, तो मेरे दोस्तों मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा कुंवर महेंद्र सिंह सहर बेदी ने कि इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं।
रविंद्र जैन ने कहा कि तुम अपने दिल में आरजू रखना, तुम अपने दिल में ये आरजू रखना, फिर उनका काम है जज्बे की आबरू रखना। काल का प्रसाद यूं गोया हुए कि जो शर्क से हो गर्भ तलब दिरहम और दीनार, लेकर जमीन ये ताबो फलक माल के अंबार, दरिया सभी मोदी बने पारस बने कोहसार, एक संत जो खड़े हो मेरे सैयद अबरार, फिर काल का प्रसाद से पूछे कोई क्या ले, नालय ने मोहम्मद वहीं सर पे उठा ले। मनचंदा भाई ने कहा कि तू अंधेरे में कहां ढूंढ रहा है सूरज, देखो गुंबद खजरा में छुपा है सूरज, एक सूरज के इशारे पे चली है दुनिया, मेरे आका के इशारों पे चला है सूरज। कृष्ण बिहारी नूर ने कहा कि कूचाए दहर से निकला तो हरम तक पहुंचा, सिलसिला मेरे गुनाहों का करम तक पहुंचा, अरे मोहम्मद तेरी मेराज खुदा जाने मेरी मेराज के तेरे कदम तक पहुंचा। संभल जाओ मुसलमान, मुसलमान तू अगर मस्ते मये ईसार हो जाए तो जमाने का जमाना तेरा ताबेदार हो जाए, तू अपने आप को ढाल लेकर सुन्नत के सांचे में तो तेरा तेवर ही दुश्मन के लिए तलवार हो जाए।